عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدى يا قلب ظريفا سل يا آتا محمد السلام عليك يا رسول बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। ये कमरा था जहाँ पे रात जो है वो हमने स्टे किया है। कल मैंने आप लोगों को मस्जिद दिखाई थी, मस्जिद बिल्कुल हमारे सामने ही है और मस्जिद के साथ ये मदरसा है और ये मदरसे का एक कमरा है जहाँ पर हम लोगों ने रात स्टे किया है और आज जो है वो हम आगे का सफर जो है वो शुरू करने लगे हैं। अच्छा, तो ये मदरसे के बच्चे हैं और बस अभी हम निकलने लगे थे तो कह रहे थे कि भाई तस्वीर बनाई, इनके साथ तस्वीर बनाई है और अब जो है जरा मैं इनसे पूछता हूँ, आप लोग जरा अपना बारी बारी नाम बताएं, नाम क्या है आप लोगों का? वजीर खान। मोहम्मद इदरीस। मोहम्मद इदरीस। आपका? इमदादुल्ला। क्या? ओके, ठीक है। तो आप लोग यहाँ मदरसे में पढ़ते हैं और स्कूल में भी पढ़ते हैं? तो अभी यहाँ कितनी देर पढ़ेंगे? कितनी देर पढ़ेंगे अभी यहाँ पे? अच्छा, दरअसल ये पश्तो बोलते हैं और इन्हें उर्दू यानी कि बहुत ही कम आती है, थोड़ी बहुत समझ लेते हैं, इसलिए अभी उन्हें हमारी बातों की समझ नहीं आ रही। तो इस वक्त हम कारी साहब के साथ और मदरसे के बच्चों के साथ मौजूद हैं। कल जब हम यहाँ पर आए थे तो हमने आकर कारी साहब से बात की और इन्हें अपने सफ़र के बारे में बताया और इन्हें बताया कि हमने यहाँ पर स्टे करना है। इनका नाम हसन साहब है। तो कारी साहब ने कहा कि कोई मसला नहीं है, हमारा मस्जिद और मदरसा जो है वो आप लोगों के लिए मौजूद है, हम आपको बिस्तर भी देंगे, सोने के लिए जगह भी देंगे और खाना वगैरह भी देंगे। तो उसके बाद जो है इन्होंने हमारे बिस्तर वगैरह का इंतज़ाम किया, खाने का इंतज़ाम किया। मैं कायद साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमारी मेहमान नवाजी की। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब आप किसी के पास भी जाते हैं तो वो आपको इतनी इज्जत देते हैं और आपको सारी चीज़ें जो कि आपको चाहिए होती हैं सोने के लिए, खाने के लिए, वो आपको देते हैं। तो कायद साहब का बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है मेरे तमाम देखने और सुनने वाले ठीक ठाक होंगे। पैदल सफ़र उकाड़ा से मक्का मुकर्रमा था, आज 15वां दिन है। रात को हमने खजूरी में स्टे किया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने सफ़र का आगाज़ किया हुआ है और आज का जो हमारा स्टे है वो मेख्तर में होगा और मेख्तर खजूरी से तकरीबन 40 किलोमीटर है और इसीलिए आज हमने अपने सफ़र का जल्दी आगाज़ किया। तकरीबन नमाज़ फजर अदा करने के कुछ देर के बाद से हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया हुआ है। तो इंशाल्लाह शाम होने तक जो है वो हम आराम के साथ मेख्तर पहुंच जाएंगे। अपने सफ़र को शुरू करते हैं। मेख्तर की तरफ सफ़र जारी है और रखनी के बाद जो सफ़र है वो आप समझें कि तकरीबन सारा ही वराना है। रखनी से जो हम रड़ाशाम आए, रड़ाशाम से जो हम खजूरी आए और आज जो खजूरी से हम मेख्तर की तरफ सफ़र कर रहे हैं, वहाँ से लेके अगर मैं कहूँ कि रखनी से लेके मेख्तर तक ज़्यादा वराना है तो ये गलत नहीं होगा। अगर कभी आप लोग इधर आए हैं या आएंगे तो आप लोगों को भी अंदाज़ा होगा। ये बोतल आप देख रहे हैं, ये पानी जो है ये रास्ते से एंड है। हम खजूरी में रुके थे, वहाँ पर पानी जो है खजूरी में पानी मैला मैला था, उस मट्टी वाला। वो लोग चूँकि वहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर इतनी आबादी नहीं है, कुछ लोग ही रहते हैं, जैसे कि मस्जिद थी, मदरसा था और कोई एक दो होटल थे, वो लोग वही पानी पीते हैं। बहरहाल हमने वो पानी नहीं पिया और रात का ही, बल्कि रात से पहले हम जब पहुँचे थे उस वक्त से जो है वो बोतल हमारी ये खाली है और अभी भी वराना है। हमें ये पता नहीं है कि आगे जाके जो पानी जो है वो कहाँ मिलना है। ये बताने का सिर्फ मकसद ये है कि बहुत से लोग कहते हैं कि आप इन्फॉर्मेशन दिया करें कि जो रास्ता है वो कैसा है, आबादी कितनी है, क्या नहीं है।
अभी आगे जाके देखेंगे आबादी कहां पर आती है, फिर वहां से जो है वो पानी लेंगे। और मजे की बात यह है कि रात 1:15 बजे प्यास की वजह से मेरी आंख खुल गई, और उसके बाद फिर जब आंख खुल गई तो मुझे प्यास लगी थी, पानी बैरल नहीं था, और फिर मैंने अपनी ज़रा वीडियो वगैरह लगानी थी, काम करना था, मैंने सोचा कि चलें फिर काम कर लेते हैं। उसके बाद 1:15 बजे के बाद यानी कि फिर मैं नहीं सोया और सुबह नमाज़ फजर अदा की और उसके बाद फिर सफ़र शुरू कर दिया। तो बहरहाल ये है कि अगर कभी आप गाड़ी पर या बाइक पर भी आएंगे तो आपको ये सफ़र जो है वीराना लगेगा। डेफिनेटली मैं जो कि पैदल सफ़र कर रहा हूँ तो पैदल वाले के लिए तो फिर ये बहुत ज़्यादा वीराना है, लेकिन कोई बात नहीं, ये बातें हमें सफ़र शुरू करने से पहले ही मालूम थी और मैंने आपको बताया भी था, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। चूँकि जब आप ज़िंदगी में कभी भी कुछ इस तरह का स्टेप लेते हैं तो आपके जहन में इस तरह की बहुत सारी बातें होती हैं और आप अपने आप को मेंटली फिज़िकली तैयार करने के बाद निकलते हैं। तो अभी तो आगे आगे इश्क के इम्तिहान जो हैं वो बहुत सारे हैं। फाइनली हम लोगों ने नाश्ता और जो दोपहर का खाना है वो एक साथ खा लिया है। ये आप मेरे बाएं हाथ पे होटल देख सकते हैं, और खजूरी से जब निकले थे तो उसके बाद ये पहला होटल आया। वैसे हमें बताया गया था कि 20 किलोमीटर के बाद आबादी या होटल आएगा, लेकिन कुछ भी नहीं आया। ये तकरीबन जो होटल है ये मेरे हिसाब से तकरीबन कोई 33 से 34 किलोमीटर के बाद आया है, क्योंकि यहाँ से मिक्सर अब तकरीबन कोई 4 किलोमीटर रहता है। तो ये बस आपने हिसाब लगाना है। बहरहाल ये होटल मिला था जी, हमने कहा पहले तो पेट पूजा करें, क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ था, नाश्ता भी नहीं किया हुआ था। तो अभी खाना खा लिया है जी। वक्त इस वक्त जो है वो 2:28 हो रहे हैं। तो हम चूँकि सुबह 6:30 बजे के निकले हुए हैं और आज वीराना भी था, मौसम भी अच्छा था, धूप तो निकली हुई है लेकिन हवा उससे ज़्यादा ठंडी चल रही है और तेज़ चल रही है, तो इसलिए सफ़र जो है जल्दी तो नहीं कह सकते, सफ़र अपने टाइम पे हुआ है, लेकिन क्योंकि हम निकले आज जल्दी थे इसलिए। फिलहाल जी यहाँ से खाना खा लिया है, अब जो बाकी सफ़र रहता है वो करते हैं, उसके बाद फिर मेक्सर में हमारा स्टे है। I'm not afraid to die.
خاله لا تألق يبكي يسأل خالقه जी। तो फाइनली हम लोग मेक्सर पहुंच चुके हैं और ये बोर्ड जो है वो आप लोग देख सकते हैं। इस वक्त टाइम जो है तकरीबन 3:35 हो रहे हैं और आज का जो मेरा स्टे है, आप लोगों को बताया कि हम लोगों ने मेक्सर में स्टे करना है जी। आज इंशाल्लाह मेक्सर में स्टे करेंगे और अगर मजीद कोई आप लोगों को बात बताने वाली हुई मेक्सर के हवाले से या कोई भी बात, हाँ जी वो पीछे से तो मैं आप लोगों को बताता आया हूँ कि खजूरी से बल्कि रकनी से शुरू करता हूँ, रकनी से लेके मेख्तर तक जो आबादी है आप यही समझें कि ना होने के बराबर है, ठीक है। तो कभी आप लोग अगर सफ़र करें बाइक पर भी या कार पर भी, जिन लोगों ने नहीं किया हुआ तो कोई पानी वगैरह खाने की चीज़, कोई फ्रूट वगैरह अपने साथ लाजमी रखिएगा। इंशाल्लाह जी मिलते हैं फिर।